अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। कृपया अपनी कुर्सी सीधी कर लें और कुर्सी की पेटी बांध लें। तो भाई मुंबई में पहुंच चुका हूँ, पहली बार है मेरा मुंबई में, और आते ही मैंने डिसाइड किया कि मैं लोकल ट्रांसपोर्ट से ही अपने होटल पहुंचूंगा। तो अभी मैं बस से आया हूँ विले पार्ले स्टेशन, और यहाँ से हम लोग जाएंगे चर्च गेट। तो भाई मुंबई में हम लोग आ चुके हैं, मतलब मैं आ चुका हूँ, ये अखिल जी ने रूम ले रखा है, यहीं पर रुक रहे हैं, और मरीन ड्राइव के बिल्कुल पास है होटल। भूख लग रही है, कुछ खाने जा रहे हैं, तो देखते हैं खाने में अखिल जी क्या खिलाएंगे। यार हम जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस ईरानी कैफ़े में, उसका नाम है कैफ़े मिलिट्री। तो वहाँ पे मैं आज कार्तिक को ब्रेकफास्ट ट्राई कराने जा रहा हूँ। तो भाई मुंबई का मैं पहला मील खा रहा हूँ अखिल जी के सजेशन पर। अगर ये अच्छा नहीं हुआ, पैसे तो वैसे भी अखिल जी दे रहे हैं इसके, लेकिन अच्छा नहीं हुआ तो बेइज्जती भी अखिल जी। भाई तो हमने अभी खाया था ये चिकन मसाला फ्राई, और अभी ये टार्टर फिश हम खाने वाले हैं, ये तो बढ़िया था, ये खा के बताते हैं। तो भाई काम वाम निपटा के अब जाकर मैं फ्री हुआ हूँ। शाम के अराउंड 7:30 बज रहे हैं, और अभी अखिल जी तो वहीं हैं लोअर परेल, उन्होंने बुलाया मुझे, तो अभी चर्च गेट से जाते हैं लोअर परेल। हम आ चुके हैं अक्षिता के ऑफिस में, और ये है अखिल जी का ऑफिस, मतलब ऑफिस नहीं है उनका, ऑफिस की ब्रांच है यहाँ। तो भाई अभी हम आ गए हैं लियोपोल्ड कैफे, बहुत ही आइकॉनिक कैफे है ये, और पास्ता मंगाया और इनका पिज्ज़ा मंगाया, और कैफे की वाइब देखो एक बार आप, पूरी एस्थेटिक सी वाइब है, मतलब आज भी एकदम एस्थेटिक सा माहौल है, और सब बहुत ही बढ़िया था, खा के देख लिया है। अब पिज्ज़ा की बारी है, मेरे हिसाब से ये भी अच्छा ही होगा। अभी हम लोग वहाँ से जा रहे हैं जहाँ से मैं बचपन में देखा करता था कि मुंबई ऐसा होता है। तो ये पीछे जो है ये ताज होटल है मुंबई का फेमस, और ये है अपना गेटवे ऑफ इंडिया। अभी यार रात का समय हो गया तो दिख नहीं रहा होगा ढंग से। तो भाई आज के दिन घूम घाम के आ चुके हैं, और अभी जा रहे हैं अपने बिस्तर पे सोने। तो भाई सो जाएंगे, और कल सुबह दिखाएंगे। ओके टाटा बाय बाय। The next day. तो भाई क्या हाल है, आज है मुंबई में मेरा दूसरा दिन, और आज संडे भी है, और आज घूमने घामने का प्लान है फुल। तो पहले मैं जा रहा हूँ BSC की बिल्डिंग पे फोटो शूट कराने, क्योंकि मैंने कराया नहीं था। भाई यही है BSC की बिल्डिंग जो आपको न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई जाती है, और यहीं पे जा रहे हैं, एक आध फोटो तो खींच के रहेंगे बढ़िया सी। ये रोड है भाई, साउथ बॉम्बे की रोड है, काफ़ी मतलब शांति सी है, काफ़ी मतलब सुबह के अराउंड 11 बजने वाले हैं, और एकदम मस्त माहौल है यहाँ पर। तो भाई ये मैच चल रहा है यार, बीच रोड पर मैच चल रहा है, ये रोड है भाई, और यहाँ पर मैच चल रहा है। तो भाई हम फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, जहाँ पर आप सुबह सुबह न्यूज़ चैनल से देखते ही हो। तो भाई अभी हम आ गए हैं पिज्ज़ा बाय द वे नाम के आउटलेट है यहाँ पर, और ये है मरीन ड्राइव। ओ भाई ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारा, मरीन ड्राइव पे चल लेते हैं। मरीन ड्राइव, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो तभी मेरे बाल भी थोड़े उड़ से रहे हैं। ये रहा अपना मरीन ड्राइव, और ये रहा अखिल जी, काफ़ी सॉर्टेड मामला है, पूरा संडे का दिन है, किसी के पास काम वाम नहीं है तो लोग यहीं आ रहे हैं फोटो खिंचवा रहे हैं। ये जो ऐसा टोटल एरिया है ना, ये पूरा मरीन ड्राइव का, ये देखो यहाँ एकदम अच्छी सी रोड है, मतलब टी पॉइंट बोलूँगा मैं इसको। यहाँ मरीन ड्राइव है, यहाँ वो एयर इंडिया का ऑफिस है, यहाँ वानखेड़े स्टेडियम भी है। तो हमने पिज़्ज़ा बाय द वे नाम की आउटलेट है वहाँ पर हमने ऑर्डर किया है। ये इनका मेन कोर्स है, ये कोई स्टार्टर है, ये कोल्ड कॉफ़ी है, और ये इनकी स्पेशल ड्रिंक है। यार देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा भी है। और ये मरीन ड्राइव है यहाँ पर, और मरीन ड्राइव से बिल्कुल यहाँ पर आके आउटलेट है, इसलिए मेरे हिसाब से महंगा है ये। पैर में दर्द हो रहा आपके? तो भाई आज है हमारा दूसरा दिन, अच्छा तो सुबह बता दिया था ना मैंने, ठीक है। अभी भाई हम लोग निकल रहे हैं, अंधेरी की टिकट ली हमने लोकल की, फास्ट लोकल की,
और वहाँ पे अंधेरी जाएंगे, फिर अंधेरी से देखते हैं आज कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मज़ा आने वाला है आज। तो सलमान खान जी और शाहरुख खान जी के घर पर ज़रूर विजिट करके आएंगे। ये मुंबई का अंधेरी स्टेशन है और देखो लोकल में कितना स्ट्रगल है यहाँ पर। हमने फर्स्ट क्लास की ले ली थी तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। और अब मेट्रो जाना है ना भाई, तो मेट्रो जाते हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं मुंबई मेट्रो में, मुंबई मेट्रो में पहली बार। अभी मैं हर जगह पहली बार ही आ रहा हूँ, मुंबई पहली बार आया हूँ। तो मुंबई मेट्रो में हम लोग जा रहे हैं, आप भी पहली बार ही आए होंगे मुंबई मेट्रो में। पर जाना है हमको अंधेरी से वर्सोवा के बीच में। तो मुंबई मेट्रो कुछ ऐसी दिखती है, मेट्रो का सफ़र हो चुका है। अभी हम आ चुके हैं वर्सोवा बीच पर, शांति काफ़ी ज़्यादा है। एक बार बीच का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये है वर्सोवा बीच, काफ़ी अच्छी वाइब है, मतलब कम लोग हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। भाई यहाँ ये है शेट्टी टावर। तो अभी हम आ रखे हैं जलसा, जलसा है अमिताभ बच्चन जी का बंगला। और आज संडे है, संडे वाले दिन को आके हाय करेंगे सबको। सारी भीड़ उन्हीं के लिए है और शायद आने वाले हैं। गेट खुल रहा है, गेट खुल रहा है, हो रहा है मेरा, हो रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं जूहू बीच पर। ये है भाई जूहू बीच और काफ़ी भीड़ है, संडे का दिन है। अमिताभ बच्चन जी के दर्शन करके हम लोग सीधा यहीं आ गए हैं। और ये डिजिटल ऐड लगा रखा है जहाँ पर डिजिटली ये लोग अपने ऐड चलाते हैं, तो ये सीन है। तो अभी हम हैं मुंबई के बैंड्रा में और मुंबई में हम लोग देखने आए हैं शाहरुख खान जी का घर। और ये राउंड है, यही है बादशाह द किंग जहाँ रहते हैं, बहुत ही बड़ा घर है। और ये अंकल जी हट नहीं रहे भाई। मुंबई में आए हुए आज दूसरा दिन है और फाइनली वड़ा पाव हमारे हाथ लग ही गया है, कैफे सी साइड बांद्रा में। और यहाँ मतलब ये सी है जो आप देख पा रहे हो, मतलब देख तो नहीं पा रहे हो लेकिन सी है उस साइड। और ये है वड़ा पाव, वड़ा पाव खाते हैं भाई आराम से। तो अभी हम लोग आए हैं दादर में, दादर चौपाटी नाम है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सीलिंग है, ये सारा सामान, काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, मतलब आओगे तो मज़ा ही आएगा। और रात को हवा भी चलती है तो यहाँ पर भी आप आ सकते हो। जवाब मुंबई की पावाजी से। रात को खाना खाकर अब यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और ये कुछ नज़ारा है, पूरी मुंबई यहीं आके बैठती है रात को। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा भरा हुआ है भाई। ये है बड़े मैया, यहाँ का चिकन बहुत ही अच्छा है, हमने भी खाया है चिकन कबाब। और ये है यहाँ की सिटिंग एरिया। अब हम जा रहे हैं गोकुल, ये रहा भाई गोकुल, बगल में ही है। भाई आज है मुंबई में, एक सेकेंड। तो भाई आज है मुंबई में तीसरा दिन और अभी हम लोग बैठे हुए हैं ताज होटल।